हेलो दोस्तों, लास्ट जो वीडियो में मैंने आपको SIP के बारे में डिटेल में बताया था, क्यों SIP करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, कितने टर्म के लिए करना चाहिए, आई थिंक ऑलमोस्ट जो जो आपको जानना चाहिए था SIP में मैंने आपको बताया था लास्ट टू वीडियो में। ये जो सीरीज़ है SIP का, इसमें ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ईजीली घर बैठे बैठे SIP कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले SIP करना बहुत कमर्शियल जॉब था। आपको कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ता था, KYC डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था, वहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था। एंड बाद में जब आप उसको रिडीम करने जाते थे, मतलब तोड़ने जाते थे, उसमें भी बहुत डिफिकल्टी आता था। लेकिन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आज बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुका है। एंड अभी आप घर बैठे बैठे SIP कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और क्या क्या ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला जो ऑप्शन है वो है आप कोई भी ब्रोकर एजेंसी को फोन करके घर में एजेंट बुला सकते हैं, जैसे कि एडलवीज, शेर खान, ये सब जो ब्रोकर एजेंसी होता है वो क्या करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। वो लोग आपके घर में एजेंट भेज देगा। उसके बाद क्या होगा कि वो आप जो जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका फॉर्म भरवाएगा आपसे और आपका KYC डॉक्यूमेंट लेगा। और SIP का पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो आपसे एक चेक भी मांगेगा। मतलब अगर 2000 का इंस्टॉलमेंट आप 5 जगह पर कर रहे हैं तो 5 2000 का चेक मांगेगा। दोस्तों, क्या क्या मांगेगा? एप्लीकेशन, 5 आप जो जितना अमाउंट करेंगे उतना का चेक, आपका KYC डॉक्यूमेंट और ये ब्रोकर एजेंसी, ये SIP आपका रजिस्टर कर देगा। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मैं आपको दो एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट दो तरह के कर सकते हैं, एक को कहते हैं रेगुलर, दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट। रेगुलर मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी एजेंसी के थ्रू से कर रहे हैं, आप कोई ब्रोकर एजेंसी से कर सकते हैं, कोई बैंक के थ्रू से करते हैं, मतलब डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी पे ना करके आप किसी का हेल्प लेके अगर करते हैं उसको रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, मतलब आप म्यूचुअल फंड का ऐप पे जाके, म्यूचुअल फंड का ऑफिस में जाके करेंगे तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यूजुअली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी को ब्रोकर लोगों को कमीशन नहीं देना पड़ता। आप अगर देखेंगे डायरेक्ट एक ही फंड का, डायरेक्ट और रेगुलर का फंड वैल्यू आप देखेंगे, डायरेक्ट में फंड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब आप ये ब्रोकर के थ्रू से करेंगे तो ये एक्चुअली रेगुलर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप घर में बैठे बैठे वो लोग आके डॉक्यूमेंटेशन करके चला जाता है, तो इससे आई थिंक वो पार्ट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में डायरेक्ट फोन करके उनका एजेंट को आप मंगा सकते हैं। पहला ऑप्शन में क्या होगा कि अगर ब्रोकर का एजेंट को मंगाएंगे तो आप उसके पास से कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेटेड कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में फोन करके उनका एजेंट को बुलाते हैं तो यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड, ओके। मतलब अगर आप SBI म्यूचुअल फंड में कॉल करके कहते हैं कि मुझे किसी को भेजिए, मुझे म्यूचुअल फंड करना है, तो आप सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई ब्रांच में जाकर, मतलब जैसे स्टेट बैंक में जाएंगे तो स्टेट बैंक से आप SBI म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप HDFC में जाएंगे तो HDFC म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ICICI में जाएंगे तो ICICI प्रूडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई बैंक का ब्रांच में जाकर भी आप ये SIP कर सकते हैं। तो अब सबसे इजी जो है कि ब्रांच में आप जाइए, ब्रांच आप लोग आपसे बोलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, KYC फोटो ये सब मांगेगा। कोई बैंक में, स्पेशली स्टेट बैंक में अभी ऑनलाइन म्यूचुअल फंड करने का ऑप्शन आ गया है SIP का,
तो वो वहाँ पर आपका जो आधार केवाईसी है उसके थ्रू से वो ब्रांच में बैठे बैठे ही आपका इस म्यूचुअल फंड खोल देगा। दोस्तों अब चलते हैं सबसे इजी ऑप्शन की ओर, वो है ऑनलाइन नहीं तो मोबाइल ऐप के थ्रू एसआईपी खोलना। ये चीज़ पॉपुलर हुआ आधार कार्ड का इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि अभी आधार केवाईसी में आपका जो केवाईसी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे जो लीडर है इसमें वो है माई कैम। ओके, माई कैम ये कैम्स ऑनलाइन का एक ऐप है। इसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैम्स ऑनलाइन एक कंपनी है जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी का केवाईसी करते हैं। मतलब आप किसी में भी इन्वेस्ट करें वो लोग कैम्स ऑनलाइन से ही आपका केवाईसी वेरीफाई करवाते हैं। और अभी आधार की इंट्रोडक्शन के बाद आप कैम्स ऑनलाइन ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है मैं माई कैम। वहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन देके आपका ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कैम्स ऑनलाइन नॉट ओनली म्यूचुअल फंड का केवाईसी करते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस का भी केवाईसी करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप एक बार केवाईसी करें कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी से, मतलब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन अगर एक बार हो जाए तो बाकी सब में केवाईसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता। और यही टूल को यूज़ करके अभी बहुत सारे मोबाइल ऐप जो है वो ऑनलाइन एसआईपी करने का ऑप्शन देता है। तो चलिए एंड्रॉयड का प्ले स्टोर में जाके देखते हैं कि कौन कौन सा ऐप ऑनलाइन एसआईपी करने में आपको हेल्प करेगा। तो गूगल प्ले स्टोर में अगर आप म्यूचुअल फंड टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट थ्री जो ऐप आपको है, एक है पिगी, दूसरा है माई कैम, तीसरा है वेल्थ ट्रस्ट। बाकी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड का भी ऐप आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये तीनों ऐप को रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये ऐप से आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिलायंस म्यूचुअल फंड ऐप से आप करेंगे तो आप सिर्फ रिलायंस म्यूचुअल फंड ही कर पाएंगे, बाकी में नहीं। लेकिन अगर आप पीगी, माई कैम, वेल्थ ट्रस्ट यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों में मैं पहला रिकमेंड करूंगा माई कैम्स, क्योंकि माई कैम ये मदर ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड ऐप। क्योंकि क्या होता है, बाकी जो ऐप है वो माई कैम से डेटा लेता है, मतलब क्योंकि बाकी सब म्यूचुअल फंड माई कैम से केवाईसी वेरिफिकेशन करवाता है, इसलिए इनके पास मदर डेटा रहता है। तो इट इज ऑलवेज वाइज टू एकदम जिसके पास ओरिजिनल डेटा है उससे ही इन्वेस्ट किया जाए। माई कैम में जाने के बाद आप लॉग इंस्टॉल करने के बाद दो ऑप्शन देगा कि आप एग्जिस्टिंग है ना आप नया करना चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग है आपका पैन नंबर और ईमेल एड्रेस माई कैम मांगेगा और वो वेरीफाई कर लेगा उनका डेटाबेस से कि हाँ सच आपका पहले कोई म्यूचुअल फंड है कि नहीं। अगर है तो वो डायरेक्टली उनमें घुसने देगा, और अगर आप नया हैं तो वो पहले आपका ई केवाईसी करवाएगा। ई केवाईसी में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर लेके आपका बायोमेट्रिक देकर वो आधार का डेटाबेस से आपका ई केवाईसी माई कैम करवा लेगा। उसके बाद आप माई कैम में कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको शुरू में एक जीरो बैलेंस में फोलियो नंबर खोलना पड़ेगा। उसके ऊपर आप एसआईपी वन टाइम कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। माई कैम में एक डेफिशिएंसी मुझे लगा वो है कि इसमें आपको टॉप जो म्यूचुअल फंड है उनका कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि खूब ज़्यादा रिलाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑनलाइन का जो टॉप कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है, जो ज़्यादा पैसा देता है उनको टॉप कहा जाता है, तो उनको ज़्यादा रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक आइडिया लेने के लिए आप ये दो आप यूज़ कर सकते हैं। पिगी और वेल्थ ट्रस्ट में एक ऑप्शन होता है कि टॉप म्यूचुअल फंड, वहाँ पर आपको कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड आपको दिखाएगा कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली पिगी एंड वेल्थ ट्रस्ट, इसमें लॉगिन करने के बाद पिगी और वेल्थ ट्रस्ट में क्या होता है कि ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। पिगी आप जब इंस्टॉल करेंगे वो कहेगा कि मुझे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो दीजिए,
आपका एक पासपोर्ट साइट का मतलब वो ऐप से ही मतलब मोबाइल से ही आप वो फोटो खींच सकते हैं और उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोटो बोलेगा, आपका आधार कार्ड का फ़ोटो, पैन कार्ड का, आपका अकाउंट का डिटेल लेगा। ये सब लेने के बाद पिगी 2-3 दिन लगाता है उसको रजिस्टर करवाने में। जब ये रजिस्टर हो जाएगा, ये ऐप से आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो एक अच्छा चीज़ मैंने बताया वो कंपेयर करने का ऑप्शन, मतलब उसमें बहुत सारे जो टॉप म्यूचुअल फंड है पिगी में वो दिखाता है, उनका परफॉर्मेंस दिखाता है, उसका के चार्ट दिखाता है, तो इससे थोड़ा आइडिया भी आ जाता है। वेल ट्रस्ट भी वो इस टाइप का ही एक ऐप है, वो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फोटो खींच के अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड करने के बाद 2-3 के बाद वो अप्रूव होता है। लेकिन पिगी एंड वेल ट्रस्ट में बाद में ये लोग हार्ड कॉपी बाई पोस्ट मांगता है, जो माईकैम नहीं मांगता, क्योंकि माईकैम के पास ओरिजिनल डेटा रहता है, लेकिन पिगी एंड वेल ट्रस्ट बाद में हार्ड कॉपी मांगता है। लेकिन घर में बैठे बैठे आप यूं ही पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो दोस्तों ये जो तीन ऐप है पिगी, माईकैम एंड वेल ट्रस्ट, आप पहले माईकैम यूज़ कीजिए, फिर पिगी और वेल ट्रस्ट को भी ट्राई कीजिए। ये तीनों ऐप से आप घर बैठे बैठे आपका डॉक्यूमेंट के फोटो खींचकर आप SIP कर सकते हैं। आपको कोई भी ब्रांच में, कोई भी ऑफिस में छुट्टी लेकर ऑफिस से जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कौन कौन सा ऐप आपको हेल्प करेगा घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड करने में। तो देर किस बात की, आज ही ये सब ऐप डाउनलोड कीजिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको फोटो खींच के वहाँ पर अपलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। जितने जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है। आप 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप आज जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाया ये आपको हेल्प करेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने में SIP पे। अगर आप और कुछ आप जानना चाहते हैं ये ऐप के बारे में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो कॉमेंट में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।